हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से सबको जैम सिक्की और जितने भी इस मीटिंग को हमारे साथ जुड़े हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेस कर चुके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, कि जैसे परमेश्वर ने अपने दास को 2024 के लिए परफेक्टिक वर्ड दिया है, कि जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जिस भवन के साथ हैं, तो परमेश्वर उन्हें बड़ा ब्लेस कर चुके, और जो 2024 का साल है वो उनके लिए बड़ा ब्लेसिंग का है। तो मैं आपका बताना चाहती हूँ कलीसिया, कि जैसे परमेश्वर ने अपने दास को अगुवाई की है, कि जैसे प्रभु भोज की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद एक हफ्ते के लिए चर्च भवन में प्रार्थना होगी, और जितने भी लोग इस प्रार्थना में आएंगे, तो जैसे उन लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, या कई बहुत सारी समस्या में फंसे हुए वो लोग हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम को फॉर्म के ऊपर फिल कराएं, ताकि उन लोगों के लिए प्रार्थना होगी और परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेंगे। और जैसे कि क्लीसियाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन हमें वॉच करते हैं या इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, तो वो भी हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, और जो भी लोग समस्या में जहाँ दुष्ट आत्मा के साथ ग्रस्त हैं, जहाँ उनकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, तो वो इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर अपनी प्रॉब्लम को रजिस्ट्रेशन करवा सकते, ताकि उन लोगों के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर होगी, तो निश्चय परमेश्वर भी उन्हें फ्री करेंगे। जैसे हमने पहले भी बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम को फॉर्म के ऊपर लिखवाया था और उन लोगों के लिए प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ी गवाहियों के, आशीष के गवाहियों के साथ, छुटकारे के गवाहियों के साथ उन्हें ब्लेस किया था। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो लोग भी अपनी प्रॉब्लम को रजिस्ट्रेशन कराएंगे या इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, और परमेश्वर उनके भी जीवन में अपने कामों को, अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करेंगे। और निश्चय, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लीसिया, जैसे कैसे फॉर्म के ऊपर प्रार्थना होती है, क्योंकि जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा, परमेश्वर ने जो अगुवाई की है, तो वो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। और आज हम फॉर्म के ऊपर प्रार्थना करेंगे, और फॉर्म पर प्रार्थना कैसे होती है हम आपको बताएंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारी अदर मिनिस्ट्रियों में फॉर्म के ऊपर जो प्रार्थना होती है वो हाथ रखकर करते हैं, पर जो प्रार्थना हम करेंगे, जैसे परमेश्वर के दास लोगों के लिए पिछले दिनों में भी प्रार्थना की है, वो हम फॉर्म से जितने भी लोगों की प्रॉब्लम लिखी है, हमें उन्हें पढ़कर प्रार्थना करेंगे, और जितने भी लोगों की प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर उनके जीवन से, उन हालातों से, बीमारियों से उन्हें आज़ाद करेंगे। और मेरा विश्वास है कि जो भी लोग इस मीटिंग को वॉच करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को लिखवा सकते हैं, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को, आशीष की, छुटकारे की गवाहियों को उनके जीवन में बना चुके हैं और उन्हें ब्लेस करेंगे। आमेन। तो आओ कलीसिया, हम मिलकर इनके फॉर्म के ऊपर जितने भी लोगों ने अपनी प्रॉब्लम लिखवाई है, हम इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, एक एक लोगों की, जिन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम लिखवाई है, तो हम मिलकर इस प्रॉब्लम को पढ़कर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करेंगे। आमेन। हालेलुया। इनका नाम सत्या है, ये मुदल गांव के रहने वाले हैं। इनका लेफ्ट हाथ 5 साल से नेगेटिविटी के प्रभाव से कांपता रहता है और पूरी बाजू में दर्द रहती है। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो इनका लेफ्ट हाथ 5 साल से नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण कांपता रहता था मेरे परमेश्वर, आज उस नेगेटिविटी के प्रभाव को मैं इनके जीवन से खत्म करती हूँ, और जो इनके बाजू में दर्द रहती है परमेश्वर, आप इनकी पूरी बाजू में से उस दर्द को गायब कर चुके हो, और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, निश्चय आप ऐसा कर चुके हो। और इनके पति के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, और मेरे परमेश्वर, आप इनके पति के घुटनों की दर्द को भी बिल्कुल अच्छा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन।
सिस्टर दलजीत और ये फतेहगढ़ पोया गांव के रहने वाले हैं और इनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इनकी पूरी बॉडी में दर्द रहती है, आंखों से पानी निकलता है और ये बता रही कि बहुत परेशानी और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अब यीशु मसीह के नाम से इस प्रॉब्लम से इन्हें आज़ाद कर चुके हो। आमीन। और जो इनका बेटा ड्रिंक का नशा करता है और उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं विश्वास करती कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप ड्रिंक के नशे से आजाद कर चुके हो। आमीन। और मैरिज के साथ ब्लेस कर चुके हो। आमीन। इनका नाम जसकरण कौर है, ये फतेहगढ़ पोया गांव के रहने वाले हैं। इस सिस्टर को बाथरूम से पस आती है और इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा है और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर कि आप इस सिस्टर के जो बाथरूम के द्वारा पस आती है उस प्रॉब्लम से आप इन्हें आजाद कर चुके हो और जितनी भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उस इन्फेक्शन को भी आप खत्म कर चुके हो और जितनी भी परमेश्वर इनके पैरों में दर्द रहती है उन पैरों की दर्द को भी परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर चुके हो। इनके पति संगति में नहीं आते हैं और इनके पति के वक्की के ऊपर लूथ की प्रॉब्लम है और उन्हें बलगम भी बहुत ज्यादा आती है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर जो इनके पति संगति में नहीं आते हैं उनका आपकी हजूरी में आने को मन कर चुका है और उनके जो वक्की के ऊपर लूथ की प्रॉब्लम है, जो बलगम की प्रॉब्लम है, उनसे भी आप उन्हें फ्री कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। नाम जसविंदर कौर और जे मुदल गांव के रहने वाले, एक साल से इनके लेफ्ट साइड आंख से पानी निकलता और इन्हें दिखाई नहीं देता सही तरह से और इनके पित्ते में पथरी की प्रॉब्लम है और एक साल से इनके पूरे शरीर के ऊपर बॉडी पर खारिश की प्रॉब्लम है। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से इस प्रॉब्लम को हम खत्म करते हैं और विश्वास करते हैं जो भी इन्हें आंखों से साफ दिखाई नहीं देता यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप इन्हें आंखों की रोशनी के साथ ब्लेस कर चुके हो। आमीन। और जो इनके दोनों वखियों में दर्द रहती है और इनके बैक पेन में दर्द की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से इस तरह से हम आजाद करते हैं। आमीन। इनका नाम अमनदीप कौर है, ये मालूवाल गांव के रहने वाले हैं। ये सिस्टर 7 साल से दिमाग की प्रॉब्लम की मेडिसिन खा रहे हैं और इन्हें चक्कर आते, हाथों में पसीना आता और कभी कभी दौरे पड़ते हैं, बीपी भी लो हो जाता है। ये इन सब प्रॉब्लम की मेडिसिन से छुटकारा चाहते हैं। मेरे सामर्थी परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इस सिस्टर के जीवन में मेरे परमेश्वर जो जो ये दिमाग की मेडिसिन खा रहे हैं 7 साल से और जो इन्हें चक्कर आते हैं, हाथों में पसीना आता है और दौरों की प्रॉब्लम है, बीपी घट जाता है, मेरे परमेश्वर आप इन सब प्रॉब्लमों से इस सिस्टर को बिल्कुल आजाद कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जितनी भी परमेश्वर ये मेडिसिन खा रहे हैं पिछले समय 7 साल से ये मेडिसिन खा रहे हैं, आप इस सारी मेडिसिन से इस सिस्टर को छुटकारा दे चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ब्रदर जुम्मा और जे मुदल गांव के रहने वाले हैं और 14 साल से जे किराए के मकान पर रहते हैं और जे घर की ब्लेसिंग जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जी आप इन्हें घर के साथ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर चुके हो। आमीन। और जो इनके बच्चे आज्ञाकारी नहीं है और संगति में नहीं आते, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप उन्हें संगति में लेकर आ चुके यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और उन्हें आज्ञाकार भी बना चुके यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इनका नाम राजविंदर कौर है, ये मुदल गांव के रहने वाले हैं। इनके पति 12 साल से ड्रिंक का नशा, सिगरेट का नशा करते हैं और जुआ भी खेलते हैं और उनका चर्च आने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर जो इस ब्रदर 12 साल से ये ब्रदर ड्रिंक का नशा करते हैं, आप इन्हें ड्रिंक के नशे से छुटकारा दे चुके हो। सिगरेट का नशा इनके जीवन को छोड़कर जा चुका है, जो इनका चर्च आने को दिल नहीं करता है, परमेश्वर इनका मन कर चुका है, ये आपकी हजूरी में आने वाले बन चुके हैं और जुआ खेलने की प्रॉब्लम से भी आप इन्हें फ्री कर चुके हो। और ये सिस्टर आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर आप इस सिस्टर को आत्मिकता में बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो। आमें। आमें।
सिस्टर लुबना और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और 8 साल से इनके पति को नेगेटिविटी का प्रभाव है जिसके कारण इनके घर में सही तरह से नहीं रहती और घर में कलेश रहता है और संगति में जाते पर मन नहीं लगता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितना भी नेगेटिविटी का इनके पति के जीवन में प्रभाव है और घर में कलेश करते हैं सारे प्रभाव से आप परमेश्वर ने छुटकारा दे चुके हो। आमीन। और जो संगति में मन नहीं लगता मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप उनका संगति में मन लगा चुके यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इस ब्रदर का नाम रॉबिन है, ये काजीवाल गांव के रहने वाले हैं। ये इटली जाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट भी अप्लाई किए हैं पर जाने में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, ये ब्रदर जो इटली जाना चाहते हैं इनकी चाहत है मेरे परमेश्वर, परमेश्वर आप इन्हें इनकी चाहत को पूरा कर चुके हो और इन्हें इटली लेकर जा चुके हो। जितनी भी रुकावट है मेरे परमेश्वर जो ये हर बार डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं, इस सारी रुकावट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करती हूँ और इस ब्रदर की आप चाहत को पूरा कर चुके हो, इन्हें इटली लेकर जा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। किरण सिस्टर जे मुदल गांव के रहने वाले हैं और इनके पति 15 साल से ड्रिंक का नशा करते और बहुत ज़्यादा घर में कलेश करते और इनका घर बनाने में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जो भी 15 साल से इनके पति ड्रिंक का नशा करते और घर में कलेश करते इस नेगेटिविटी पर भाव से आप उन्हें आज़ाद कर चुके हो। आमीन। और जो घर बनाने में रुकावट आ रही है परमेश्वर जी आप मसीह के नाम से घर के साथ ब्लेस कर चुके हो। आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि जैसे हमने आज मिलकर फॉर्म से प्रेयर की और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेस कर चुके यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे क्लीसिया परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड दिया, जैसे वचन में लिखा है लुका में कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभावशील होता है, प्रभाव रहत नहीं होता। तो सच में क्लीसिया जो वचन परमेश्वर ने अपने दास को दिया है कि फॉर्म के ऊपर जितने भी लोगों ने प्रेयर अपनी प्रॉब्लम लिखाई है तो उनके लिए प्रेयर होगी। तो जैसे पहले भी हमने गवाहियों को सुना और परमेश्वर ने बहुत सारे कामों को प्रकट किया है, तो जो लोग आज की प्रार्थना को रिसीव करेंगे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो निश्चय परमेश्वर उन्हें भी उस वचन के द्वारा, जैसे जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है तो हमारे जीवन में कार्य करता है, काम करता है। तो आज भी परमेश्वर अगर आपने विश्वास से इस प्रेयर को रिसीव किया है, अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो निश्चय परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेस करेंगे, बड़ा आशीष करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने और जीवत नामे। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया।